हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीजीटी हिस्ट्री के लिए खिलजी वंश यानी खिलजी डायनेस्टी। कोई भी एग्जाम चाहे क्यों ना हो, चाहे पीजीटी हिस्ट्री डीएसएसबी का हो, केवीएस का हो, एनवीएस का हो, या हिस्ट्री यूजीसी नेट और जेआरएफ का एग्जाम हो, या फिर एमए हिस्ट्री के एग्जाम हो, या फिर कॉलेज लेवल पर हिस्ट्री का सिलेबस हो, आप लोगों को मैं ऐसे टॉपिक बनाकर दे रहा हूँ जो हर जगह आपके लिए इतिहास में काम आते हैं, और इनसे काफी सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आते हैं। ये बच्चे हमें बताते हैं और हम आप लोगों के साथ उन कमेंट को और उन मैसेजेस को शेयर भी करते हैं। तो खिलजी वंश की आज की वीडियो में कंप्लीट खिलजी डायनेस्टी पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे और शुरू से लेकर लास्ट तक कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये भी हम साथ में डिस्कस करेंगे करते हैं। शुरू करने से पहले, पूरे भारत में हमारा स्टडी मटेरियल बाई कोरियर जाता है, चाहे वो जैसे ये पीजीटी मैथमेटिक्स के हैं, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के, पीजीटी मैथमेटिक्स के, पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री ज्योग्राफी, ऑल इंडिया के अंदर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हर लेवल के आपको एग्जाम के नोट्स मिलेंगे, चाहे वो सीटेट है, डीएसएसबी है, केवीएस है, नवोदय है, ऑल टाइप के। तो आप लोग उनको भी ले सकते हैं, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हैं। उसके साथ अगर आपको डे टू डे की इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्लास की, नोट्स की, और उसके अलावा कौन सी वैकेंसी आई, क्या सिलेबस होता है, तो आप लोग इस नंबर पे अपना नाम, अपना सिटी, अपना सब्जेक्ट कौन सा है और आपको कौन सा एग्जाम देना है, ये लिख करके आप व्हाट्सएप कर दीजिए, नंबर सेव हो जाएगा। सबसे शुरुआत, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी वंश का पहला राजा जिसको खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर भी कहते हैं। 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी तक का कार्यकाल जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का रहा है। शुरू से लेकर के देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भारत में खिलजी वंश का संस्थापक था। पहला ही क्वेश्चन आता है कि खिलजी वंश के संस्थापक का नाम बताओ या खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका आंसर रहेगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने गुलाम वंश को समाप्त करके एक नया वंश अपना खिलजी वंश के नाम से शुरू किया था। 13 जून 1290 ईस्वी में उसका राज्याभिषेक हुआ था, यानी वह गद्दी पर बैठा था 13 जून 1290 ईस्वी को। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसका हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण था, यानी हिंदुओं के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर वो रखता था, उदार हृदय रखता था। ये पहला व्यक्ति था जिसने ये कहा था कि भारत के अंदर हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है और हिंदुओं के ऊपर अगर आप राज कर पा रहे हो मुस्लिम होकर के, तो वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए जो पहले वाले राजा करते थे, बड़े राजा के पद पर भी गैर हिंदू, बड़े बड़े पदों पर भी मंत्री संतरी सारे गैर हिंदू होते थे, तो ये पहला व्यक्ति था जिसने ये कहा था कि सारे बड़े पदों से दूर करके आप लोग इनके ऊपर राज नहीं कर पाओगे, इसलिए आप इनको बड़े पदों पर साथ साथ में लेते रहिए। यानी एक प्रकार से एक्चुअल में जो कम्युनलिज्म की जो थ्योरी थी वो थोड़ी बहुत यहाँ पर शुरू हुई थी। उसके बाद बात करेंगे आप लोग अलाउद्दीन खिलजी की। जब खिलजी वंश की बात हो और अलाउद्दीन का जिक्र नहीं हो, तो इसका मतलब खिलजी वंश आपने 90% नहीं पढ़ा, ये चीज ध्यान रखेंगे, क्योंकि हर किसी के लिए जरूरी है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंडिया में कंट्रोवर्शियल भी रहा है, जिसके ऊपर फिल्मों पर बवाल भी हुए हैं, बहुत सी चीजें आई हैं जो आप लोगों को यहां पर दिखेंगी। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1296 ईस्वी से लेकर के 1316 ईस्वी तक रहेगा। 1296 से 1316 ईस्वी तक आपको अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल दिखेगा। सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके 19 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठ गया, यानी अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या की और 19 जुलाई 1296 को वह गद्दी पर बैठ गया, यानी शासक बन गया। अलाउद्दीन के बचपन का नाम जो था वो अली था, अलाउद्दीन के पिता का नाम जो था वो शिहाबुद्दीन था, और फिरोज खिलजी जो है वो शिहाबुद्दीन का भाई और अलाउद्दीन खिलजी का वो चाचा था जिसकी उसने हत्या करके उसकी गद्दी हथिया ली बाद में। राजपुताना में अलाउद्दीन की सबसे बड़ी विजय जो है वो चित्तौड़ की विजय, हम बात करेंगे चित्तौड़ पर भी, गुजरात के युद्धों पर भी, सभी पर डिस्कस करेंगे। 1302 ईस्वी से 1303 ईस्वी के इस अभियान में अमीर खुसरो ने भी भाग लिया था, याद रखेंगे अमीर खुसरो ने भी यहां पर भाग लिया था। चित्तौड़ आक्रमण का प्रमुख लक्ष्य वहां के राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी, जो कि एक अपूर्व सुंदरी थी, उसको प्राप्त करना था। उसने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र
खिजर खा के नाम पर खिजराबाद भी बाद में कर दिया था। अब हम शुरू में, हालांकि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके अच्छे कामों की भी लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी है और उसके युद्धों और आक्रमणों की लिस्ट भी लंबी चौड़ी है। अब हम उन चीजों पर बात करेंगे जो अलाउद्दीन खिलजी के जिन आक्रमणों का भारतीय इतिहास में बहुत ज्यादा वर्णन मिलता है। सबसे पहले नाम आता है गुजरात के ऊपर अटैक किए का। गुजरात के अंदर जब इसने आक्रमण किया तो उस समय गुजरात का राजा राय कर्णदेव था, जो वाघेला वंश का राजा था कर्णदेव, और उसकी पत्नी का नाम था कमला देवी, और उसका जो सेनापति था उस समय जो उसकी सेना को कुछ हद तक संभालता था उसका नाम था मलिक कफूर। अब स्टोरी शुरू होगी अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात पर आक्रमण की। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण कर दिया और गुजरात के ऊपर जब आक्रमण किया खिलजी ने तो उस समय राजा कर्णदेव की वहां पर सत्ता स्थापित थी। अच्छा संघर्ष हुआ, राजा कर्णदेव ने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन खिलजी की सेनाओं के आगे कर्णदेव की सेनाएं हार गई और खिलजी ने राजा कर्णदेव को हरा दिया और उसको हरा करके वहां से वह उसकी हत्या भी कर दी और उसकी जो विधवा पत्नी थी उसकी विधवा पत्नी कमला देव को वो अपने साथ ले आया और उसके साथ उसने शादी यानी विवाह कर लिया। दूसरा काम उसने क्या किया, कर्णदेव की सेना में जो सेनापति के रूप में उस समय मलिक कफूर था उसको भी वो अपने साथ ले गया और इसको उसने बाद में अपना सेनापति भी बना दिया। मलिक कफूर जो भारतीय इतिहास में एक किन्नर था, भारतीय इतिहास के अंदर एकमात्र शुरुआत के अंदर ऐसा सेनापति जो किन्नर होते हुए भारतीय सेना का सेनापति भी बना, ये चीज भी याद रखनी है। यानी गुजरात के युद्ध में खिलजी को कमला देवी को वो साथ लेकर आया जिसके साथ उसने विवाह कर दिया जो कर्णदेव की विधवा पत्नी थी, और मलिक कपूर को वो अपने साथ ले आया। कहा जाता है कि खिलजी जो है वो इन दोनों को अपना लक मानता था। इसके बाद उसने पूरे के पूरे भारत को जीतने का फैसला किया। कमला देवी उसके बहुत सारे कार्यों में उसके साथ समर्थन देती थी और मलिक कपूर जो उसके सेनापति के रूप में था उत्तर भारत तो उसको जितवा ही दिया, दक्षिण भारत तक जीतने का जो दावा खिलजी ने किया था वो मलिक कपूर के कंधों पर किया था। और दक्षिण भारत को जीतने के अभियान के लिए जब खिलजी की सेनाएं गई तो मलिक कपूर ने नेतृत्व किया था और भारत के साउथ में रामेश्वरम जहां से श्री अब्दुल कलाम जी रहे हैं वहां तक का राज्य उसने उसके लिए जीत दिया था। तो ये तो था गुजरात अटैक के बारे में जो खिलजी के द्वारा उस समय किया गया था। एक तो गुजरात युद्ध के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र आता है। दूसरा जो नाम आता है वो आता है चित्तौड़ आक्रमण के बारे में। चित्तौड़ जिसके ऊपर भारतीय इतिहास बहुत ज्यादा किताबें लिख चुका है, बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा है, फिल्में बनी, नाटक बने, सीरियल बने, बायकॉट हुआ, विद्रोह हुआ और देश के अंदर अलग अलग तरीके की बातें चली। चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया तो चित्तौड़ का राजा उस समय राजा रतन सिंह था। सीरियलों में, नाटकों में, यूट्यूब की वीडियोज में लोग कुछ भी बताएंगे बढ़ा चढ़ा करके, उन चीजों को आप लोग इग्नोर कीजिए, क्योंकि सबसे खास बात यह है कि भारतीय इतिहास कुछ ऐसे चुटभियों ने लिखा है जिनको खुद भी इन चीजों का पता नहीं था या वो इधर उधर से पैसा ले लेकर के अपने स्वार्थ ले लेकर के उन चीजों को लिखते थे, जो आज के बच्चों को और आज के लोगों को बहुत ज्यादा भ्रमित भी करते हैं। रियलिटी क्या होती है, चित्तौड़ के ऊपर उस समय राज था राजा रतन सिंह का, उसकी पत्नी जो विश्व सुंदरी के रूप में भी फेमस मानी जाती भारतीय इतिहास में पद्मावती यानी पद्मावती थी, जिसको माता पद्मावती के नाम से भारत के बहुत से लोग मानते भी हैं और इतिहासकारों ने लिखा भी है। और उसी समय उसका जो सेनापति था वो एक वृद्ध जो 80+ माना जाता है, 85-86 की आमतौर पर कही जाती है, वो बूढ़ा सेनापति था गोरा, जिसकी भुजाओं में भीम से भी ज्यादा बल माना जाता था, यानी एक बहुत बहादुर भारतीय इतिहास का सेनापति, और उसके साथ उसका भतीजा बादल जो उसकी उसको मतलब पूरी सेना में पूरा समर्थन करते थे। ये एक प्रकार से एक चित्र यहां पर था। इसी समय जब आक्रमण किया गया तो यहां पर आक्रमण किया गया खिलजी के द्वारा। हालांकि युद्ध क्यों हुआ, आक्रमण क्यों हुआ, इसके बारे में बहुत सी स्टोरियां हैं। सबसे पहले खिलजी जो है वो एक करेक्टरलेस टाइप का इंसान कुछ हद तक माना गया है, जिसके बारे में आमतौर पर हम ये पढ़ते अलग अलग चीजों में आए हैं। हुआ क्या था, जो पुराने इतिहासकार है जो रियल है वो ये बोलते हैं कि राजा रतन सिंह के दरबार में एक कवि होता था, एक गायक होता था, जिसकी राजा रतन सिंह ने जाने अनजाने इंसल्ट कर दी थी,
और उसको दरबार से निकाल दिया था, और वह कवि धीरे धीरे करके भटकता भटकता खिलजी के दरबार में आ गया और खिलजी के यहाँ पर नौकरी करने लगा। आमतौर पर लेखकों को और कवियों को किसी भी राज्य के अंदर आसानी से संरक्षण मिल जाता था, और जब वो अपनी कविताएं करता था तो खिलजी बहुत खुश होता था। एक दिन कहते हैं उस कवि ने बातों बातों में खिलजी के दरबार में कविताएं की, और इस कविताएं में उसने कहा कि दुनिया के अंदर कोई महिला है तो फिर वो पद्मावत है, उसके जैसी कोई महिला पृथ्वी पर नहीं है। जब ये बात उसने खिलजी को कही तो खिलजी का मन डोला और उसने प्रण कर लिया कि वो पद्मावत को जीतेगा, या पद्मावत या पद्मावती दोनों नाम आमतौर पर हैं, उसको जीत के वो लेकर आएगा। ये कवि की ये बात इसी वजह से थी क्योंकि कवि को जब चित्तौड़ से निकाला गया तो उस कवि ने कहा था कि मैं महाराजा रतन सिंह का नामो निशान मिटा दूंगा, यानी बदला लूंगा, और ये बदला उसने खिलजी के दिमाग में पद्मावत की बात को डालकर उसने पूरा कर लिया। फिर हुआ जंग खिलजी के बीच में और राजा रतन सिंह के बीच में। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने का फैसला कर दिया और उसकी सेना चित्तौड़ की तरफ निकल पड़ी। ये वो समय था, बताते हैं कि चित्तौड़ का पूरा जो राजघराना होता था या पूरी रियासत जो होती थी, मेन जो रियासत थी वो 7 गेटों के अंदर बंद होती थी। 7 गेट बताते उस समय होते थे, और 7ों गेटों के अंदर जाकर के फिर राज दरबार के लोग और राजा होते थे। अब ये कहा जाता है कि ये पूरे के पूरे 7 गेट होते थे, एक गेट को तोड़ करके आप अंदर जा सकते थे, फिर दूसरे गेट को तोड़ना होता था, फिर तीसरे गेट को, यानी कहा जाता था कि पूरे के पूरे किलों के अंदर इतना सारा सिस्टम होता था कि आप लोगों को काफी समय तक बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, सब कुछ अंदर ही आपके लिए अवेलेबल होता था। अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने काफी समय तक संघर्ष किया, चित्तौड़ के घेरे को वो तोड़ नहीं पाए, ये सच्चाई बताता हूं मैं, उसके बाद हम आगे का टॉपिक तो डिस्कस करेंगे, लेकिन जब आप अलाउद्दीन खिलजी पढ़े, खिलजी वंश पढ़े और चित्तौड़ ना पढ़े तो उसका कोई मतलब नहीं है। जब ये सारा काम हुआ तो खिलजी की सेना संघर्ष करती रही, उधर राजा रतन सिंह की सेनाओं ने काफी मुकाबला किया और इन गेटों को तोड़ने में बताते हैं खिलजी कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद एक बड़ी चाल चली गई, क्यों? क्योंकि 3-4 महीने तक खिलजी ने वहां वेट किया, संघर्ष बड़ा हो रहा था, काम हो नहीं रहा था, रतन सिंह की सेना जूझ रही थी। खिलजी को क्या लग रहा था? खिलजी को यह डर था कि अगर इससे ज्यादा समय लगा तो दिल्ली की गद्दी खतरे में ना पड़ जाए, इसलिए वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता था। फिर एक साजिश रची गई और उस साजिश में कहा गया कि खिलजी ने राजा रतन सिंह के पास एक पैगाम भेजा और वहां पर कहा कि खिलजी हार मान चुका है और वो वापिस जाना चाहता है, लेकिन वापिस जाने से पहले उसकी आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आप पद्मावती के उसको दर्शन भी करवा दो तो वो खुशी खुशी वापिस लौट जाएगा, सिर्फ इतनी सी इच्छा है। राजा रतन सिंह कहते हैं कि राजा रतन सिंह कुछ हद तक घबराया हुआ था क्योंकि खिलजी की सेनाओं का मुकाबला लंबे समय तक करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, इसलिए रतन सिंह को लगा कि अगर इतनी सी बात से बात बन रही है तो क्यों ना हम हाँ कर दें। लेकिन कहते हैं कि उस समय जब बहादुर सेनापति गोरा था उसने ये कह दिया था कि महाराज ऐसा कुछ नहीं है, ये खिलजी की एक चाल है और आप इस चाल में फंस जाओगे। और ये कहते हैं कि राजा रतन सिंह ने गोरा को डांटते हुए बोला था कि आप सैनिक हो और सेनापति या सैनिक का काम करो, आपको राजकाज नहीं पता है, राजाओं की बातों में मत आइए। गोरा नाराज हुआ और सेनापति का पद छोड़कर जंगलों में कहते चला गया। उस समय खिलजी ने समर्थन जो मांगा था रतन सिंह से पद्मावत को देखने के लिए, रतन सिंह ने हां कर दिया। और कहा जाता है कि जब पद्मावत से बात हुई तो उस समय ये डिस्कस हुआ था कि राजा रतन सिंह और राजपुताने में ये प्रथा थी कि किसी गैर पुरुष के सामने महिलाएं नहीं आएंगी, तो ये फैसला किया गया कि सीढ़ियों से पद्मावत उतर के आएगी, नीचे तालाब था जहां पर पानी में प्रतिबिंब दिखेगा और दूसरी तरफ खिलजी होता था, खिलजी और रतन सिंह वगैरह थे, तो उस पानी के प्रतिबिंब में खिलजी पद्मावत को देखेगा, ना कि सामने सामने से। यही हुआ, खिलजी को वो बात पसंद आई और उसने वो देखा। देखने के बाद गलती कहां हुई? गलती हुई रतन सिंह से। जब देखने के बाद, हमारे यहाँ पर एक संस्कार होता है इंडिया के अंदर, खास करके हिंदुइज्म में, कि जब कोई व्यक्ति घर आता है तो जब वापस जाता है तो आप उसको सी ऑफ करने जाते हैं, अपने घर से बाहर या दूर तक जहां भी हो आप उसको छोड़कर आते हैं। राजा रतन सिंह जब खिलजी को मतलब वे ऑफ करने गया या बाहर छोड़ने के लिए गया तो खिलजी के वो साथ साथ चलता रहा और 7ों गेट खिलजी के साथ रतन सिंह ने पार कर दिए। जब 7ों गेट पार किए तो बाहर खिलजी की सेनाओं ने रतन सिंह को बंदी बना लिया और उसको पकड़ करके दिल्ली ले आए। पद्मावत को संदेश भेजा गया, या तो 10 दिन के अंदर उसकी शादी का डोला
खिलजी के पास आए यानी शादी के लिए तैयार हो, अदरवाइज रतन सिंह को मार दिया जाएगा। ये सारे के सारी प्लानिंग यहाँ चल रही थी। उसी समय गोरा को ढूंढा गया, बादल को मनाया गया और इनने कुछ सैनिक इकट्ठे किए और कहते हैं कि ये संदेश भेजा गया खिलजी के पास कि पद्मावत अपनी सहेलियों के साथ 700 कोई कई इतिहासों में अलग अलग मिल जाएगा ये डोले लेकर आ रही है, आप अपनी शादी की तैयारी कीजिए। और गोरा और बादल के साथ इन डोलों में काफी सारे सैनिक थे जिन्होंने खिलजी के साथ बहुत अच्छा युद्ध किया और महाराजा रतन सिंह को कुछ हद तक वहां पर छुड़वा करके वो कामयाब हुए। लेकिन खिलजी की सेनाएं वापिस आकर के चित्तौड़ पर टूट पड़ी और महारानी पद्मावती ने अपनी आन बान संभालने के लिए उस समय जोहर किया था। ये इतिहासकार बहुत ज्यादा इतिहासकार मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मजाक उड़ाने पर उतर आते हैं किसी इतिहास का, उन लोगों का कोई इलाज नहीं हो सकता। ये वो लोग हैं जो इधर उधर से पैसा लेकर के या फिर किसी इतिहास को नष्ट करने के लिए तरह तरह की बातें फैलाते रहते हैं। तो ये था चित्तौड़ का आक्रमण, जो चित्तौड़ वाला आपने देखा, गुजरात वाला देख लिया। अब हम चलते हैं उन कामों पर जो काफी फेमस रहे हैं। मलिक कफूर जब तेलंगाना की राजधानी वारंगल पहुंचा तो वहां के शासक, ये साउथ अभियान है, साउथ इंडिया को दक्षिण भारत को जीतने का प्लान जब खिलजी ने बनाया तो प्लान हुआ था कि मलिक कफूर दक्षिण भारत जीतकर खिलजी को भेंट करेगा। मलिक कफूर ने वही किया, तेलंगाना की राजधानी वारंगल पहुंचा, वहां के राजा प्रताप रुद्रदेव को के साथ युद्ध हुआ जिसमें राजा ने फिर बाद में सरेंडर कर दिया। और उस समय उस राजा के पास था कोहिनूर हीरा जो आजकल इंग्लैंड में है, दुनिया का सबसे महंगा हीरा होने का दावा करते हैं, भारत का कोहिनूर, जिसको बाद में काफी सारे विद्रोह हुए और अलग अलग समय पर कहां कहां वो गया ये आप हम देखेंगे। तो प्रताप रुद्रदेव ने सरेंडर कर दिया और कोहिनूर का हीरा 1307 ईस्वी में मलिक कपूर को सौंप दिया, जिस मलिक कपूर ने आकर के उसे अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। तो ये था, फिर बाद में भारत से उसको नादिर शाह लेकर गया, नादिर शाह इंग्लैंड पहुंचा, वो चीजें भी आप देखेंगे। तो एक तो ये चीज याद रखना कि कोहिनूर हीरे का सबसे पहले वर्णन मिलता है प्रताप रुद्रदेव के पास, उसने मलिक कपूर को दिया, मलिक कपूर ने खिलजी को दिया, ये 1307 की घटना आपको यहां पर मिलेगी। अलाउद्दीन खिलजी के अच्छे कामों में देखिए, सबसे पहले बाजार प्रणाली, मार्केट सिस्टम का फाउंडर बोलते हैं उसको, जन्मदाता, मार्केट सिस्टम का जन्मदाता बोलते हैं, ये चीज याद रखनी है। पहला राजा था जिसने बाजारों की व्यवस्था शुरू की, वस्तुओं के मूल्य को लंबे समय तक स्थिर रखा उसने, एक प्रकार से स्टेबिलिटी लाई उसने सामानों की कीमत के अंदर। कौन से बाजार व्यवस्थाएं शुरू हुई, बाजार नियंत्रण प्रणाली, मार्केट कंट्रोल सिस्टम उसने शुरू किया, इसमें मंडी लगती थी, अनाज का व्यापार इसमें मंडी लगती थी, सराय ए अदल कपड़ों का व्यापार इसमें होता था, घोड़ों का, दासों का, पशुओं का सामान्य बाजार भी यहां पर लगते थे, यानी बाजार जहां पर क्रेता और विक्रेता मिलते हैं और सामानों का क्रय विक्रय करते हैं। भारतीय इतिहास में मार्केट सिस्टम की पहला वर्णन आपको मिलेगा, स्टोरियों में, कविताओं में, नाटकों में, फिल्मों में कुछ भी दिखाएं, लेकिन रियलिटी जो है ये मार्केट सिस्टम यहाँ शुरू होता है, जिसके लिए अलाउद्दीन खिलजी के कुछ अच्छे काम माने जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा प्रथम राजा था जो बहुत बड़ी सेना रखता था और उसकी सेना में 475,000 अश्वरोही घोड़े के सैनिक थे और सैनिकों को नगद वेतन, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, भारत में सैनिकों को नगद वेतन देने का क्रेडिट जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। क्यों? क्योंकि इससे पहले और परमानेंट सेना और नगद वेतन, क्योंकि बहुत बड़ा साम्राज्य हो चुका था और इसमें पूरे समय, पूरा साल भर सेना युद्ध करती थी, अलग अलग एरियों को जीतते थे, सुरक्षा करनी होती थी, तो परमानेंट सेना चाहिए तो नगद वेतन भी देना पड़ेगा और लंबा थोड़ा खर्च भी होता था। अलाउद्दीन के सैनिक 1000 की टुकड़ी में, 100 की टुकड़ी में और 10 की टुकड़ी में बटे होते थे, जिनके प्रमुख को खान कहा जाता था, मलिक कहा जाता था, अमीर कहा जाता था, सिपहसालार आदि के नाम भी होते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, घोड़ों को दागना शुरू किया और सैनिकों का हुलिया, स्केच ऑफ द सोल्जर, ये शुरू किया। घोड़ों को दागने की प्रथा इसलिए थी क्योंकि जैसे पूरा राज्य है, राज्य के अंदर राजा के पास भी घोड़ा होता था, अमीरों के पास भी घोड़े होते थे, जो जागीरदार और साहूकार थे उनके पास भी होते थे, जनता में भी कुछ अमीर होते थे जिनके पास घोड़े होते थे, इसलिए राजा का घोड़ा चोरी हो जाता था या सेना का घोड़ा इधर उधर हो जाता था तो कोई पहचान नहीं सकता था, इसलिए राजा के घोड़ों को, सेना के घोड़ों को दागने की प्रथा अपना ली थी।
ताकि उनके ऊपर एक लोहा लोहे का कोई रिंग गर्म करके और उनकी पीठ पे रखा जाता था, जिससे उस पर निशान हो जाता था और ये राजा के सेना के घोड़े की निशानियां होती थी। दूसरा, सैनिकों का हुलिया, सैनिकों का हुलिया स्केच, जैसे आप लोग आधार कार्ड वगैरह में देखते हो या फिर हम कई बार गुमशुदा का कोई पर्चा लगाता देखते हैं कि ऐसा ऐसा व्यक्ति रंग गोरा, हाइट इतनी, बाल गुंगराले, इस तरीके की आंखें, ऐसा ऐसा व्यक्ति कहीं देखा हो तो बताना। यानी एक प्रकार से वर्णन, उसका दिखावट का वर्णन करना, ये हुलिया बनता था सैनिकों का, ताकि उसके पूरी डिटेल आ सके। उसने प्रत्येक सैनिक को 234% प्रतिवर्ष देता था सैलरी। देखिए यहां पर सैलरी जो होती थी वो ईयरली होती थी, ईयरली, और ईयरली सैलरी जो है वो 234 रुपए प्रतिवर्ष, 234% यहां था प्रतिवर्ष दिया जाता था। घोड़े दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया, परमानेंट सेना, नगद सैलरी 234% प्रतिवर्ष, ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अलाउद्दीन के पुलिस व्यवस्था को ठोस रूप से संगठित उसने किया। पुलिस का मुख्य अधिकारी उस समय कोतवाल होता था। पुलिस व्यवस्था को भी मजबूत किया ताकि विद्रोह को दबाया जा सके, लॉ एंड ऑर्डर को बनाया जाए, और कोतवाल अधिकारी वहां पर प्रमुख माना गया। अलाउद्दीन खिलजी ने डाक व्यवस्था को शुरू किया, डाक प्रथा, पोस्ट सिस्टम, ये एक प्रकार से जिसको आज के समय में आज भी भारत में बहुत ज्यादा वैल्यू है। डाक व्यवस्था उसने शुरू करी, राशनिंग प्रणाली, राशन सिस्टम इसने शुरू किया। यानी कामों में देखेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इसके बारे में, तो ये इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि यहां इन टॉपिकों को आपको जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं देखते हैं तो फिर एक पक्ष आपको देखना है और क्वेश्चन दोनों जगह से आएंगे। नंबर एक, मार्केट सिस्टम हुआ जिसमें चारों प्रकार के बाजार लगते थे, अनाज के, कपड़ों के, घोड़ों के, पशुओं के, ये आ जाएगा। उसके साथ दूसरा क्वेश्चन आएगा परमानेंट सेना का, तीसरा क्वेश्चन आएगा नगद वेतन देने का, चौथा क्वेश्चन आएगा आपका घोड़े को दागने का, प्रथमा क्वेश्चन आएगा हुलिया प्रथा किसने शुरू की, ये भी देखना है, कोतवाल पुलिस व्यवस्था वाला छठा क्वेश्चन आपका यहां पर बन जाएगा, सातवां क्वेश्चन आपका बन जाएगा डाक व्यवस्था को किसने शुरू किया, आठवां क्वेश्चन बन जाएगा राशनिक प्रणाली का संबंध किससे है, ये मतलब अलग अलग क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, इनको देख लेना। कामों की बात जहां तक की जाए तो, और कामों को बात हो और महल और किले ना बने राजाओं की रियासतों में, ऐसा हो नहीं सकता। दिल्ली में अलाई दरवाजा का निर्माण किया था, सीरी का किला का निर्माण किया, होज खास बनवाया दिल्ली का जो काफी फेमस एरिया पोज एरिया है, जमात खाना मस्जिद का निर्माण किया, ये चीज भी आपको यहां पर देखनी। अच्छा, अलाई दरवाजे की बात करूं मैं तो अलाई दरवाजा कुतुब मीनार में है, और ये कहते हैं कि कुतुब मीनार में जब अलाई दरवाजा लगाया गया तो इसके लिए कुछ व्यवस्था है, दो तीन चीजें मिलेंगी। कुतुब मीनार की नींव रखवाने की बात आई तो आपके सामने आया ऐबक का नाम, कुतुब मीनार को पूरा करवाया तो आपके सामने आया इल्तुतमिश का नाम, कुतुब मीनार में अलाई दरवाजा लगाने की बात आएगी तो आपके सामने आएगा खिलजी, कुतुब मीनार की मरम्मत की बात आएगी तो आपके सामने आएगा फिरोज शाह तुगलक, ये कई सारे, यहाँ पे बिजली गिरी थी आसमानी तब मरम्मत हुई थी, यानी अलग अलग लोगों के नाम जुड़ेंगे कुतुब मीनार से, ये देख लेना। अलाई दरवाजा में क्या था, उसने एक गेट लगवाया था, इसमें एक गेट लगवाया था और उस गेट से वह अपने राज्य के विद्रोही और जो शत्रु होते थे उनको इससे ऊपर चढ़ाता था और ऊपर ला करके बोलते वो उस पर गिरा देता था, नीचे एक पत्थर लगा होता था जिस पर गिरकर उसकी मृत्यु होती थी। यानी अलाई दरवाजा को उसने अपनी पाप की राजधानी भी कहा था, यह भी याद रखना। अलाउद्दीन ने अमीर ए तुनुक, सिकंदर ए सानी आदि उपाधियां धारण की और उसे विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा, कई सारे टाइटल मिले, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सिकंदर ए सानी। भारतीय इतिहास में सिकंदर ए सानी की टाइटल जो ग्रहण किया वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। क्यों किया? क्योंकि जिस तरीके से वो मानता था सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीतने का प्लान बनाया था, वही प्लान अलाउद्दीन का भारतीय क्षेत्रों में और आसपास में था, तो सिकंदर ए सानी का टाइटल उसने लिया। ये क्वेश्चन याद रखना, विश्व का सुल्तान, चलो इसको ध्यान जरूर रख लेना, और जनता का चरवाहा, विश्व युग का विजेता, विश्व का सुल्तान और सिकंदर ए सानी और अमीर ए तुनुक, ये टाइटल उसने अपने आप को दिए। 3 जनवरी 1316 को जलोदर, द्रोपसी नाम की बीमारी होती थी, उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। अब बात आएगी मलिक कफूर की। मलिक कफूर ही वो सेनापति था जिसको अलाउद्दीन खिलजी गुजरात के राजा वाघेला वंश से लेकर आया था और उसके बाद उसको अपना सेनापति उसने बना दिया था। 1316 ईस्वी में जब मलिक कफूर राजा बना तो खिलजी की मृत्यु के बाद ही बना और कुछ समय के बाद ही उसकी गद्दी, उसको उसकी हत्या बाद में कर दी गई थी। मलिक कफूर एक किन्नर था,
एक किन्नर था, ट्रांसजेंडर था, जिसको हजार दिनारी भी कहा जाता था। हजार दिनारी के नाम से फेमस व्यक्ति एक ही रहेगा आपको, हजार दिनारी कहा जाता था, क्योंकि गुजरात का एक व्यापारी था नुसरत खान, उसने 1297 ईस्वी में 1000 दिनार में इसको बाजार से खरीदा था। ये याद रखना, क्यों कहा गया था हजार दिनारी, क्योंकि 1000 दिनार में इसको कभी खरीदा गया था। मलिक कपूर किन्नर के साथ साथ एक दास था, गुलाम था, जो बाजार में बिकना आया हुआ था, वहां पर उसको खरीदा गया। किसने खरीदा 1297 में? नुसरत खान ने। नुसरत खान कहां का व्यापारी था? गुजरात का। और वहां उसने खरीद करके किसको गिफ्ट कर दिया? गुजरात के राजा कर्णदेव को, मैंने बताया आपको। और कर्णदेव से कौन लेकर आया? खिलजी लेकर आया, जब उसके साथ उसका युद्ध और आक्रमण हुआ था, जब कमला देवी को भी लाया था, तो वहां से लेकर आया, सेनापति बनाया। खिलजी का मेन व्यक्ति था, दक्षिण भारत को जीतने का प्लान इसी का था, और ये कामयाब भी वहां पर हो गया था। मलिक कपूर ही था जिसने खिलजी के दक्षिण भारत को जीतने का सपना पूरा किया था। ये आपका मलिक कपूर रहेगा। दो नाम और आएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं टॉपिक को क्लोज करने के लिए इनका नाम जरूर लूंगा। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक इसने राज किया। बहुत ज्यादा फेमस नहीं था, बट धीरे धीरे करके दो तीन साल तक अपने राज्य को ये कहीं ना कहीं चलाता रहा। आखिरी नाम आएगा नसीरुद्दीन खुसरो शाह, एक नंबर का आवारा और नकारा शासक था। पास में कुछ भी नहीं था, सेना इसकी मानती नहीं थी, अमीरों ने विद्रोह कर दिया था, और इसके ऊपर जो आखिरी में चोट की वो तुगलक वंश ने की, और इसको समाप्त कर दिया गया। 1320 में इसकी मृत्यु के साथ ही यहां पर खिलजी वंश आपका समाप्त होता है। अगले वंश में हम लोग तुगलक को पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब है कि एक एक करके आपके सारे टॉपिक आएंगे और वो चीजों को डिस्कस करूंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होना चाहिए। पेपर में क्या आता है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, पकड़ में क्वेश्चन कैसे आएंगे, रियल एनसीईआरटी स्टोरी क्या होती है, और पेपर सेटर क्या चीज याद रखता है, वो चीजें पता हो। वरना कुछ भी पढ़ लो, इतिहास में कितनी सारी किताबें हैं, कोई मतलब नहीं होगा जब तक आप लोग अपने एग्जाम और अपने नॉलेज के बेस को मजबूत नहीं करेंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही था, कल फिर मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद, शुभकामनाएं, मेहनत कीजिए, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा।